2021 खुशियों की सौगात लेकर आया है। जिस तरह से 2020 में कोरोना के माहौल में लोग जी रहे थे, 2021 में उन्हें खुशियों की सौगात मिली है कोरोना वैक्सीनेशन की। चाहे मंदिर हो या घर, लोग भगवान की कृपा मान रहे हैं। किस तरह से लोग खुशियां मना रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर की ये महिलाएं माता के जागरण में शामिल हुई हैं और सभी यही मंगल कामना कर रही हैं कि देश और दुनिया में जिस तरह से 2021 खुशियों की सौगात लाया है, हर चेहरे पर खुशियां ही खुशियां झलक रही हैं। आगे भी इसी तरह से खुशी का दौर सभी के जीवन में आए और देश और दुनिया में खुशी का आलम रहे। सभी इसी मंगल कामना को लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। माता के जयकारों के बीच सभी ने खूब मंगल गान और नृत्य किए। क्या कहना है भक्तों का, आप भी सुने हमारे साथ। सभी और खुशी की खबर आ रही है देश और प्रदेश में। जिस तरह की खुशी की खबर आ रही है कि कोरोना की संख्या अब घट रही है और सभी और एक खुशी की लहर है। हमारे साथ में ये जिलों की नगरी उदयपुर की महिलाएं हैं जो आध्यात्मिक चेतना से सभी को जागृत कर रही हैं और यही कामना कर रही है कि कोरोना का जल्द ही अंत हो और सभी के लिए मंगलमय हो। जिस तरह से माता जी का जागरण किया है आपने और यही कामना कर रहे हैं कि सभी देश और दुनिया में खुशी की लहर आए, क्या क्या कहना है आपका? बिल्कुल, आपने सही बोला है। ये माता जी का जागरण इसीलिए किया गया है कि देश में दुनिया में खुशी की लहर आए और जितने भी लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं उन सब की ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल रहे और माता जी हर एक के दिल की मनोकामना पूरी करें। वो जानी जान है, उनको पता है किसको क्या चाहिए, तो मेरी दिल से दुआ है इन सब की मनोकामना पूरी हो। आप बताएं क्या कहना है आपका? जो दीदी ने कहा वो सब सच होना चाहिए। जिस तरह से खुशी देखी जा रही है, आप बताएं क्या कहना है आपका? ये जो आज भजन कीर्तन रखा गया है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो वैक्सीन आई है उसको हम एक तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो इतने समय से सब लोग चिंता में जीवन जी रहे थे तो अब थोड़ी सी खुशहाली आई है। कोरोना ने भी थोड़ा सा दम तोड़ना शुरू किया है, इसलिए इस भजन से हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और उदयपुर की हम सारी खूबसूरत महिलाएं यहाँ पर जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी कार्य किया है। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि बस कोरोना से सब सबको मुक्ति मिल जाए और सबका जीवन पहले जैसा नॉर्मल हो जाए और खुशियाँ फैल जाए सब तरफ। बस आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि आज जैसे हमने शुरुआत करी है बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वाइब से, वैसे ही हम पूरी जिंदगी करें और कोरोना जैसी चीज कभी वापस नहीं आए। आप बताएं। विश्व शांति और खुशहाली की कामना के लिए सिटी जी छाबड़ा ने आज माता का कीर्तन रखा है। हम ये चाहते हैं कि माता का सब पे आशीर्वाद बना रहे और कोरोना रूपी ये महामारी जड़ से खत्म हो जाए। भक्ति भव ताप मिटाते, भक्ति भव सिंधु तिराती, भक्ति भक्त में भेद नहीं और भक्ति ही भक्त को भगवान बनाती। भक्ति भाव से सरोवर में माता के कीर्तन आज बहुत ही भक्ति भरा। आप बताओ मधु जी क्या? मैं तो कहना चाहूंगी कि ये नया साल आया है, सब बहुत खुश हुए कि कोरोना चला गया, लेकिन हम जानते हैं कि स्ट्रेन सेकंड की बात हो रही है, ब्लड बर्ड की बात हो रही है, तो ये भक्ति जो आज ये हुई है, आज जो भजन संध्या हुई है, वो जो सुन रहे हैं वो सब बातें कुछ नहीं हो और हम सब सुखी रहें, खुश रहें।
आप बताओ। हम तो ये शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं और इस भक्ति भाव से खुशनुमा माहौल में शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अब सब ठीक होने वाला है, नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। आप बताओ। वैक्सीनेशन की खुशी और कोरोना का दम तोड़ता हुआ टाइम हमारे को दिलों में बहुत खुशियां भर दिया है, इसीलिए आज हमने यहाँ पर माता जी की चौकी करी और सभी महिलाएं हम खुश होकर एक दूसरे से मिल रहे हैं फिजिकली, क्योंकि वर्चुअल मिलते मिलते बहुत परेशान हो गए थे। आपका मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, माता जी सबको ब्लेस करे और कोरोना से सबको बाहर निकाल के हम फिर से घूमे और बस एंजॉय करें। जी बताएं, किस तरह से एक आध्यात्मिकता से लोगों को ऊर्जा मिलती है? आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और किसी न किसी देव या देवी देवता को मानना हमारे मनोबल को बढ़ाता है, और ये जो कठिन समय निकला है कोरोना का, उसमें काफ़ी लोगों को आध्यात्म से जुड़ने का मौका मिला है और लोगों को अपने धर्म के प्रति और ज़्यादा सचेत हुए हैं और ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। जी बताएं, क्या कहना है आपका? नमस्कार, मैं आज स्वीटी जी के साथ हूँ और इस प्रांगण में मैं खड़ी हूँ जहाँ पे उनकी और भैया की जो उनका सपना था वो पूरा होने जा रहा है कुछ ही महीनों में, और इस जगह पे आकर के एक गीत मुझे आज याद आया, विजय वर्मा जी का लिखा हुआ ये गीत है, उसकी दो लाइन्स मैं आपको सुनाती हूँ। मौसम हंसता हंसता ये रास्ता खुलता खुलता, उठो साथियों चले सफर को वक्त नहीं है रुकता, ये मौसम हंसता हंसता। और जो खूबसूरती चारों तरफ इस प्रांगण में मुझे दिख रही है उस पे ये अगला अंतरा है, चलने लगी बयारी तन मन की सुध बुध हारी, है चलने लगी बयारी तन मन की सुध बुध हारी, पुलकित है पौधा पौधा झूमे है डारी डारी, पुलकित है पौधा पौधा झूमे है डारी डारी, रच गई पूर्व में लाली सूरज ने रास संभाली, रच गई पूर्व में लाली सूरज ने रास संभाली, खुल गए कंठ बह चले छंद कलरव है बढ़ता बढ़ता, ये मौसम हंसता हंसता आ मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, और जैसे कि हमें पता है कि कोरोना ने हमारे पे बहुत असर छोड़ा था, बट विथ न्यू ईयर आई होप दैट यू ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ एंड कीप कनेक्शन विथ द गॉड द ऑलमाइटी, बिकॉज व्हेन यू कीप द बिलीफ सिस्टम यू विल बी एबल टू क्योर एनीथिंग। थैंक यू। इस कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है, ऐसे नहीं जाते। मैं तहे दिल से इन वैज्ञानिकों को, जिनकी मेहनत से, इन डॉक्टर्स लोगों को जिनकी मेहनत से एक वैक्सीन जो कि एक आशा की किरण बन के आई है, उसके लिए तहे दिल से बधाई देता हूं, और मेरे इष्ट मेरे परमात्मा मेरे वाहिगुरु से परमात्मा से अरदास करता हूं कि ये वैक्सीन बहुत जल्द सबके कार्य में काम आवे, सबको सेहत दे, सबको इस कष्ट से दूर करे। पूरा विश्व इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है और आज के वैज्ञानिक हमारी इस मदद को, इस नैया को, इस दुख को पार कराए। धन्यवाद। क्या कहना है अरविंद जी आपका? बस ये कहना चाह रहा हूँ कि नया साल आ गया और नए साल बहुत खुशियाँ लेकर आया, 2020 की सारी बुराइयाँ चली गई, कोरोना की वैक्सीन आ गई, और हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा देश कोरोना फ्री हो जाएगा और माता के आशीर्वाद से सबका भला होगा। जैसे कि मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे सच्चे दोस्त डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने बोला है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं कि सबको यही है कि एक आशा कि 2021 में कोरोना वैक्सीन आ जाए और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो,
और अपना देश जो भारत है वो कोरोना मुक्त हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि उदयपुर की पहली वैक्सीन सौरभ जी को लगी और बात का स्थापित हो कि किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे कि मेरे बड़े भाई मेरे प्रिय दोस्त नहीं है, मुझे आदेश दिया है तो इस देश के लिए मैं अपनी अगर कुछ हो भी जाता है तो जान बचावर अगर कुछ हो भी जाता है तो देश के लिए मेरा समर्पण है। और जो है और अर्थ डायग्नोस्टिक को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, तो भाई आप इनको बुला रहे हैं, इनको स्वागत है और 14 तारीख को भैया बता देंगे और हम आपको कल क्या तो तेरे